हर एक व्यक्ति के साथ जीवन में एक न एक बार ऐसे हालात निश्चित ही बनते हैं कि उसे धन की आवश्यकता पड़े और उसके पास धन ना हो। ऐसे हालात में अगर आप किसी से धन मांगेंगे भी तो भी नहीं मिलता है, और ऐसी हालत हमेशा ही हर एक व्यक्ति के साथ जरूर ही होती है। अब चाहे वो कितना भी धनवान हो, चाहे कितना भी गरीब हो, लेकिन ऐसी हालात का सामना उसे निश्चित ही करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी खास बातों के बारे में जिनको अगर आप करते हैं तो इससे जीवन में अगर कहीं भी आपको धन की आवश्यकता पड़ती है तो निश्चित ही मार्ग मिलता है, क्योंकि इस क्रिया को करने से स्वयं माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं, बल्कि कार्य से विघ्न हट जाता है और सुख और शांति प्राप्त होती है। यह क्रिया बड़ी ही ज्यादा खास है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखकर सभी बातों को आप ध्यान से समझ लें कि करना किस प्रकार है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे, क्योंकि भगवान शिव ही ब्रह्मांड के गुरु हैं। और जिस भी व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी कोई भी नहीं हरा सकता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ गणित मौजूद ही रहता है, यानी कि हर एक चीज का अपना ही एक गणित होता है, और यह गणित अगर बिगड़ जाए तो तभी जीवन में परेशानी आती है। जैसे कि ओम नमः शिवाय को पंचाक्षरी मंत्र बोला जाता है, नवग्रह बोले जाते हैं, तो इसी प्रकार हर एक चीज का गणित होता है। तो इस क्रिया को करने के लिए बस आपको गणित का ही इस्तेमाल करना है। जैसे कि अगर आपके जीवन में ऐसे हालात बनते हैं कि नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है, या फिर कर्ज में आप फंस चुके हैं और कहीं से भी आपका व्यवसाय भी नहीं चलता है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं से भी धन सुख और शांति आ ही नहीं सकती है, तब आप इस क्रिया को करके देखें, क्योंकि इस क्रिया से बड़े ही ज्यादा आश्चर्यजनक चमत्कारी लाभ मिलते हैं। आपको केवल इतना करना है कि किसी भी भगवान शिव के मंदिर में जाना है और शिवलिंग पर तराटक करना है, यानी कि एक टुक लगाकर बिल्कुल आपको देखना है, और शिवलिंग को देखते ही आपको कुछ अंक अपने मन में ही दोहराने हैं। जैसे कि 11 अंक आपको दोहराना है। 11 अंक भगवान रुद्र का प्रतीक है, यानी कि अति प्रसन्नता का प्रतीक है। इसी प्रकार आपको 12 अंक भी दोहराना है, यह भगवान सूर्य का प्रतीक है। तो ध्यान से सुने कि 11 और 12, इसके बाद आपको 8 अंक को दोहराना है। 8 अंक धन आकर्षित करने का अंक बताया जाता है, यही माता लक्ष्मी का भी अंक है, तो आपको 8 भी दोहराना है, और इसी प्रकार 2 अंक को भी दोहराना है। जो स्वयं आपको बता दे कि 2 अंक जो है यह अश्विनी कुमार को आकर्षित करता है, जो कि उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने वाले देवता हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में परेशानी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई भी होती है, जिसके कारण उन्हें धन हानि होती है। तो आप इन अंकों को नोट कर रख लें कि 11, 12, 8 और 2, इन सभी को अगर मिलाते हैं तो 33 नंबर निकलता है, जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड सभी देवी देवताओं का नंबर है, और बस इन्हीं 4 अंकों में सभी चीजें आ जाती हैं। तो दोस्तों, इन्हीं नंबर का आपको इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने के लिए जब भी आपके जीवन में ऐसे हालात बन जाते हैं कि धन की आपको आवश्यकता पड़ती है और कहीं से भी कहीं भी कोई भी आपकी मदद नहीं करता है और कहीं से भी धन मिल ही नहीं पाता है, तब ऐसे में आपको शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर तराटक करते हुए मन ही मन 11, 12, 8 और 2 अंक को मन ही मन दोहराना है। बस इसी प्रकार आपको यह क्रिया करनी है। ऐसा आपको कम से कम 15 मिनट तक शिवलिंग को देखते हुए करना है। इस बात का भी ध्यान रखें कि जब आप शिवलिंग पर तराटक शुरू करेंगे तो उससे पहले, इस क्रिया को करने से पहले, शिवलिंग पर एक लोटा जल अवश्य ही आपको चढ़ाना है, और उसके बाद भी, यानी कि जब क्रिया समापन हो जाएगा तो उसके बाद भी एक लोटा जल चढ़ाकर आपको अपने घर आ जाना है। बस इसी प्रकार लगातार अगर आप 11 दिन तक करते हैं तो चाहे आपके जीवन में कितनी भी समस्या ही क्यों ना हो, धन की कितनी भी आपको आवश्यकता ही क्यों ना हो, वो निश्चित ही आपको कहीं ना कहीं से प्राप्त होता ही है, और यह बड़ी ही ज्यादा आश्चर्यजनक चमत्कारी क्रिया है। इस क्रिया को करते ही उसी दिन से आप खुद ही देखेंगे कि आपके अंदर कितना बदलाव आ जाएगा, क्योंकि मन में अंक को दोहराने से सीधा प्रभाव आत्मा पर पड़ता है, और बस वहीं से जीवन बदलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आज से ही आप इस क्रिया को शुरू करें। अगर आपके जीवन में धन की परेशानी है तो इससे निश्चित ही समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।